हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फोर प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मैग्नेटिक सर्किट का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द एमएमएफ रिक्वायर्ड टू सेटअप अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन एन आयरन रिंग हैविंग डायमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिंग इज 25 cm स्क्वायर एंड रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर आयरन इज 1000। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने मैग्नेटिक सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको सभी के सभी फार्मूलेस मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे, देन हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें, क्योंकि यहां गिवन डाटा लिखना है। तो क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द एमएमएफ रिक्वायर्ड टू सेटअप अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी यहां पे दिया है, फ्लक्स डेंसिटी को बी से शो करते हैं, वो दिया है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, आगे लिखा है इन एन आयरन रिंग हैविंग अ डायमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहां पे डायमीटर दिया है, तो ये डायमीटर कौन सा है, ये मीन डायमीटर है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर मीन डायमीटर है ये कैसे समझ में आया, देखिए मैग्नेटिक सर्किट के प्रॉब्लम्स में दो टाइप के डायमीटर आपके सामने आ सकते हैं, एक होता है स्मॉल डी और दूसरा होता है कैपिटल डी। स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या डिफरेंस है और इसका क्या यूज है वो आप समझ लीजिए। स्मॉल डी को इनर डायमीटर ऑफ रिंग कहते हैं और कैपिटल डी को मीन डायमीटर ऑफ रिंग कहते हैं। स्मॉल डी से आप एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और कैपिटल डी से आप एल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मीन डायमीटर से मीन लेंथ फाइंड आउट होता है और इनर डायमीटर से एरिया फाइंड आउट होता है। और यहां पे ये कैपिटल डी है ये हमने लिखा है क्वेश्चन में, तो कैपिटल डी इट मींस मीन डायमीटर ऐसा तो लिखा नहीं है। तो ये कैसे समझ में आया कि ये मीन डायमीटर है, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्वेश्चन में आगे ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में हम आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे एरिया ऑलरेडी दिया है। तो जब एरिया दिया हुआ है, ये जब दिया हुआ है तो डायमीटर देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पे जो डायमीटर है वो स्मॉल डी नहीं, वो कैपिटल डी दिया है, क्योंकि हमें कैपिटल डी का यूज करके यहां पे एल फाइंड आउट करना है, मीन लेंथ फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इसको कैपिटल डी लिया है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो फाइनली हमने यहां पे कैपिटल डी लिखा है, लेकिन ये जो है हमने सेंटीमीटर में लिखा है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। हमने मैग्नेटिक सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना वो भी बताए थे, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻²⁻ मीटर। तो ये हमने मीन डायमीटर यहां लिख दिए। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, तो हमने कहा है कि यहां पे एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दैट इज 25 cm स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमने ये एरिया लिखा। क्वेश्चन को और आगे पढ़ो, तो आगे लिखा है रिलेटिव परमेबिलिटी 1000। रिलेटिव परमेबिलिटी को म्यू आर से शो किया जाता है और ये दिया हुआ है 1000। और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही लिखा था कि डिटरमाइन द एमएमएफ रिक्वायर्ड, इसका मतलब हमें एमएमएफ फाइंड आउट करना है, ये कंफर्म है। एमएमएफ मतलब, एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो चलो फाइनली गिवन डाटा आपके सामने है और अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एमएमएफ फाइंड आउट करना है, तो एमएमएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला हम आपको बताते हैं किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसका सीक्वेंस क्या होना वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको एमएमएफ फाइंड आउट करना है तो एमएमएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है n × i। ये फार्मूले से आप आसानी से एमएमएफ इट मींस मैग्नेटोमोटिव फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। n माने नंबर ऑफ टर्न्स और i माने करंट। तो यहां पे n × i करना है, तो चेक करो गिवन डाटा में n और i का वैल्यू दिया है क्या, बिल्कुल नहीं, यहां कहीं पे भी n और i दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये एमएमएफ आप यहां से फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पे आप एमएमएफ यहां से नहीं निकाल सकते। तो फिर कहां से निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, वो है h का फार्मूला। h का फार्मूला क्या है, देखिए h का फार्मूला होता है n × i / l। ये फार्मूले से आप h फाइंड आउट
आउट कर सकते हैं और यहां से आप n इंटू आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूला बताने का क्या मतलब है, देखिए ये फार्मूले से आप क्या करेंगे, यहां पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, H माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स या बोलो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या बोलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो H है, H का ये जो फार्मूला है, यहां से हमें n इंटू आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये फार्मूले से n इंटू आई बाय एल ये जो फार्मूला है, यहां से हम फार्मूला ऐसा बनाएंगे H इंटू एल इक्वल्स टू एन इंटू आई, ऐसा फार्मूला हम बनाएंगे। ये देखिए ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले की तरफ आप ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट यहां पे ये फार्मूला बन जाएगा। अगर हमने n इंटू आई फाइंड आउट कर लिए तो n इंटू आई ही MMF होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। MMF हम डायरेक्टली ये फार्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, तो MMF का फार्मूला जो n इंटू आई है उसमें n इंटू आई हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से n इंटू आई निकाल लेते हैं तो फाइनली हमें इनडायरेक्टली MMF मिल जाएगा, और n इंटू आई फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां लेफ्ट साइड में H और L को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H और L को मल्टीप्लाई किए तो हमें n इंटू आई आसानी से मिल जाएगा, और H यहां पे दिया हुआ नहीं है तो हमें H अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो L है L भी दिया हुआ नहीं है तो L हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमने जैसा थोड़ी देर पहले कहा था कि L माने मीन लेंथ होता है, तो मीन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यहां मीन डायमीटर दिया है। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे मीन लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे मीन लेंथ, काफी आसान फार्मूला, मीन लेंथ का जो फार्मूला है जो हमने थोड़ी देर पहले बताए थे वो फार्मूले का हम यूज करेंगे। फार्मूला है मीन लेंथ L इक्वल्स टू पाई डी, पाई जो है वो आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा, और डी माने मीन डायमीटर, वो हम लिखेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इसको बस कैलकुलेटर में पुट करो तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। और कैलकुलेटर में पाई का सिंबल अवेलेबल है, यहाँ नीचे शिफ्ट दबा के आप ये बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे पाई का सिंबल मिल जाएगा, और ये हमने कैलकुलेटर में लिखे हैं तो ये आएगा 0.785 मीटर। तो हमें मीन लेंथ चाहिए था तो हमने मीन लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, इट मींस जो ये L है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और अब ये दूसरा जो H है ये हमें फाइंड आउट करना है। H कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो H फाइंड आउट करने का दूसरा फार्मूला है, तो चलो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। H माने क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो हम यहां लिखेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, B बाय म्यू जीरो इंटू म्यू आर, ये फार्मूला होता है H फाइंड आउट करने का। यहां से हम आसानी से H फाइंड आउट कर सकते हैं, B का वैल्यू यहां पे दिया है क्या, ये देखिए यहां पे B का वैल्यू दिया हुआ है गिवन डाटा में 1.2, हम लिखेंगे 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और म्यू जीरो म्यू आर, म्यू जीरो माने क्या, म्यू जीरो माने एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, हम उसका स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे 4π × 10⁻⁷, और म्यू आर जो है वो 1000 यहां पे दिया हुआ है गिवन डाटा में, ये देखो म्यू आर 1000 दिया है। और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं कैलकुलेटर में इसका कितना आंसर आता है। तो 1.2 इंटू डिवाइडेड बाय 4π × 10⁻⁷ इंटू 1000, तो ये आंसर आ चुका है 954, हम लिखेंगे 954.929, और इसका यूनिट रहेगा 80 पर मीटर। तो फाइनली हमने यहां पे H फाइंड आउट कर लिया है, और अब ये H का यूज करके हम आगे MMF फाइंड आउट करेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जो आपको फार्मूला बताए थे MMF का फार्मूला बताए थे n इंटू आई, हमने आपको बताए थे MMF फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली ये फार्मूले का यूज कर नहीं सकते, क्योंकि n और i जो है वो गिवन डाटा में दिया हुआ नहीं है। तो हमने n इंटू आई दूसरी जगह से फाइंड आउट करने का प्लानिंग किए, तो हमने यहां से n इंटू आई फाइंड आउट करने का प्लानिंग किए, और n इंटू आई फाइंड आउट करने के लिए हमें H और L चाहिए था, तो हमने यहां पे H और L फाइंड आउट कर लिया है। तो चलो अब ये H और L दोनों ये फार्मूले में पुट करो, ये फार्मूले में पुट करने से आपको n इंटू आई मिल जाएगा, और एक बार आपको n इंटू आई मिला तो वही आपका MMF बन जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ H का जो फार्मूला है वो हम पहले लिख लेंगे, दैट इज n इंटू आई बाय L, ये हम यहां पे लिख लेंगे, देयर फोर H इंटू एल इक्वल्स टू एन इंटू आई, ऐसा हम लिख लेंगे। और अब हम ये इक्वेशन को सीधा भी लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, ये n इंटू आई लेफ्ट साइड में लिखेंगे, H इंटू एल राइट साइड में लिखेंगे, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, और n इंटू आई इक्वल्स टू H इंटू एल, हम इसको ऐसा लिखेंगे। और अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, राइट हैंड साइड में H इंटू एल का वैल्यू पुट करना है, तो चलो हम यहां पे पुट करेंगे। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे n इंटू आई इक्वल्स टू राइट साइड में H इंटू एल के जगह लिखेंगे 954.929 इंटू 0.785। हमने यहां पे क्या किए, हमने यहां पे राइट हैंड साइड में H इंटू एल करना है, तो यहां पे H का वैल्यू और L का वैल्यू ये जो हमने फाइंड आउट किए थे वो हमने वहां पुट किए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 954.929
इंटू 0.785, तो ये आंसर आ चुका है 749.619। सेवन हम लिखेंगे 749.619, और लेफ्ट साइड में यहां पे जो n इंटू आई है वो हम यहां पे फिलहाल एज इट इज लिखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में ये n इंटू आई की जगह MMF लिखेंगे, MMF इज इक्वल टू 749.619, और इसका यूनिट हम लिखेंगे एम्पियर टर्न, दैट इज AT। तो फाइनली ये हमने MMF यहां पे फाइंड आउट कर लिया है, और यहां पे हमें मेंशन भी करना पड़ेगा, तो हम यहां पे नीचे में मेंशन कर लेंगे, सिंस MMF इक्वल्स टू N इंटू आई होता है, ऐसा हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो हमने ये मेंशन कर लिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द MMF रिक्वायर्ड, तो ये हमने MMF दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोज देखने के लिए आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।